बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रत्याशियों के चेहरे भी साफ होते जा रहे हैं। संभावित प्रत्याशी भी चुनाव में उतरने को लेकर अपनी तैयारी कर चुके हैं। इस कड़ी में जिला के मुखदुमपुर विधानसभा सुरक्षित सीट से मांझी जी के दामाद देवेंद्र मांझी मैदान में उतर चुके हैं। बुधवार को मुखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र में एक निजी हॉल में कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू होते हुए देवेंद्र मांझी ने बैठक की। जी हां, इस बैठक में खुद भी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मौजूद थे। इस दौरान जीतन राम मांझी ने अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से अपने दामाद इंजीनियर देवेंद्र मांझी को जिताकर विधानसभा भेजने की अपील की। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं और पिछली बार चुनाव में उनकी यहां से हार हुई थी। इस बार जीतन राम मांझी से परिवारवाद पर बढ़ावा देने के पत्रकारों के सवाल पर प्रतिक्रियाएं देते हुए सभी पार्टियां यही कर रही हैं, अगर हमने भी यही किया तो क्या गलत है। खुले शब्दों में लोजपा पर निशाना साधते हुए लोजपा में भी एक ही परिवार से जुड़े कई लोग राजनीति में हैं, वहीं एनडीए में लोजपा के रहने के सवाल पर कहा कि जन शक्ति पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन से ज़्यादा मजबूत स्थिति में एनडीए गठबंधन काफ़ी मजबूत है। जी हाँ, उन्होंने दावा किया है कि एनडीए बिहार की 220 सीट जीतेगी। इशारों में अपने कद बढ़ने को लेकर कहा कि 2020 में हमें दूसरे रूप में देखा जा सकता है। तो और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट।